मैं जमहूरी कुव्वतों में हिम्मत जानना चाह रहा हूँ कितनी होती है जब आप लोग आते हैं, क्या हम एक परमानेंट स्टेट ऑफ मार्शल लॉ में है? जमहूरियत एक अमल का नाम है और वो अमल जो है तसलसल के साथ चलता है तो फिर एक खद व खौल उसके निकलते हैं। जमहूरियत एक तर्ज अमल का नाम भी है, क्या आप पार्टीज का तर्ज अमल इतना जमहूरी है कि एक दिन जमहूरियत इस काबिल हो जाए उस अमल के तहत कि किसी डिक्टेटर का इंतसाब कर सके? जब है ना नौ मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, फिर हम देख लेंगे क्या होगा। अवाम की कमिटमेंट जमहूरियत या किसी निज़ाम से नहीं होती, अवाम की कमिटमेंट गवर्नेंस से होती है, गवर्नेंस अच्छी मैनेजमेंट से आती है। अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए अच्छी टीम चाहिए, वो है आपके पास? प्लीज आप है ना वो तराना तो ना गाएं। मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, आपको पता है इस तराने का कायल नहीं हूँ मैं। करप्शन शुड नॉट, मैं तो इसको बिल्कुल एक फजूल सा लफ्ज समझती हूँ जिसका मकसद दूसरे की बेइज्जती करना है। हर वो रुपया जो करप्शन की वजह से किसी की जेब में जाता है, ये वो रुपया होता है जो अवाम की जेब से निकलता है अवाम पर खर्च होने के लिए मगर किसी की जेब में चला जाता है। करप्शन और नेपोटिज्म ये दोनों नासूर हैं और इस नासूर को हमें खत्म करना है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन हु? आई डोंट नो। जब ये अनाउंसमेंट आती है कि सैलाबों की वजह से पीएसडीपी कट कर दिया जाएगा, जब ये अनाउंसमेंट आती है कि प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जी शहरों में जो घर हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, तो सवाल तो पैदा होता है इस लंबी चौड़ी कैबिनेट में क्यों नहीं कमी आ रही? बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें फेडरल मिनिस्टर अकेले नहीं गुजारा कर सकता, ही नीड्स टू हैव एन असिस्टेंट, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जब इतने सारे काम फैसले अदलिया ने दिए तो आपने कहा एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत कर रही है अदलिया। अब काम आर्टिकल 6 एग्जीक्यूटिव का है बट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। देखिए जी, ये सारे बहाने होते हैं, जिसको काम करना होता है ना वो काम करके दिखा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के बेरूनी दौरों के लिए 33 लाख रुपए पर डे, ऐवान सदर के खर्चों के लिए 10 लाख रुपए पर डे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 17 करोड़, अवाम उससे वाबस्ता 2 लाख रुपए पर डे। खौफ ये एक ऐसा लफ्ज है जो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर नाम लीजिए ना हिम्मत करके।